नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गैगर और मैं आज आपको लिंग के तनाव के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूं कि जो बातें लिंग के तनाव के ऊपर, लिंग के कठोरता के ऊपर असर करती है। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गैगर, मैं एक मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नंबर एक, मूड। आपका मूड कैसा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लैंगिक कठोरता डिपेंड होती है। यदि आपका मूड डाउन है, डिप्रेस्ड है, नर्वस है, बहुत टेंशन, चिंता, वरी, तो नेचुरली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है दिमाग की, वो ज़्यादा काम करेगी और आपके लिंग का साइज कम हो जाएगा, कठोरता कम होगी। तो मूड बहुत ही अच्छा होना जरूरी है जिससे कि अच्छी इम्पल्सेस पीछे जाएंगी, पीछे से जाके पेनिस को स्टिम्युलेट करेगी। नंबर दो, अल्कोहल। यदि आप शराब लेते हैं तो वो कठोरता के ऊपर उल्टा असर करता है। ऐसा बोलते हैं कि अल्कोहल इंक्रीजेज द डिज़ायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। मतलब हो सकता है कि शराब लेने के बाद में आपकी इच्छा होंगी सेक्स करने की, मगर आप कर नहीं पाओगे। तीसरा पॉइंट, दवाइयाँ। दवाइयाँ जो है, जैसे एंटी एंग्जाइटी है, एंटी डिप्रेशंस है, एंटी साइकोटिक्स है, तो वो दवाइयाँ जो है वो आपकी सेक्स की इच्छाएँ कम कर दी या इरेक्शन में बाधाएँ डालेंगी। ये मेडिसिन जो है, तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है कि जो इरेक्शन में बाधाएँ डालती है। यदि आपका इरेक्शन नहीं होता है तो देखना जरूरी है कि हम दवाई कौन सी ले रहे हैं। नंबर चार, नशीले दवाइयाँ। मतलब जैसा एम्फेटामिन आप ले रहे हो, या कोई गांजा, ब्राउन शुगर, या फिर चरस, अफीम, ऐसी कोई दवाई ले रहे हैं, या फिर टोबैको ले रहे हैं, मतलब ऐसी कोई भी दवाई है या कोई ड्रग्स है, तो ये सब बुरा असर सेक्स के ऊपर करते हैं। पांचवा, रिलेशनशिप्स। आपके रिश्ते कैसे हैं, पति पत्नी में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, हस्बैंड वाइफ में, जो भी है सेक्स अपोजिट सेक्स के साथ में आपकी रिलेशनशिप कैसी है, यदि उसका बैंड बजा है। यदि आप ठीक रिलेशनशिप में नहीं है, आपकी पट नहीं रही है, आपके झगड़े झंझट हो रहे, तो नेचुरली सेक्स की इच्छा कम होंगी और इरेक्शन कम हो जाएगा। नंबर छः, कौन सा समय है दिन का। मतलब ऐसा बोला जाता है कि भाई सुबह जो है वो टेस्टोस्टेरोन की लेवल अच्छी होती है और सुबह इरेक्शन भी आते रहता है, मॉर्निंग वीड्स बोलते हैं उसको, सुबह इरेक्शन भी अच्छा आते रहता है, स्पॉन्टेनियस इरेक्शन आते रहता है। तो सुबह आप यदि सेक्स करते होंगे तो डेफिनेटली सेक्स अच्छा हो जाएगा, कठोरता सुबह ज़्यादा आती है। और उल्टा शाम को क्या होता है कि बहुत थका हुआ इंसान रहता है, टेंशन है, वरीज है, तो उसमें कठोरता कम आती है। सुबह सुबह क्या होता है कि नींद हो ही रहती है 6-7 घंटे 8 घंटे और आप बहुत फ्रेश रहते हो। सातवां पॉइंट, आपने कितना घंटे नींद लिया है। समझो आपकी नींद बराबर हुई नहीं है और आपको बहुत स्लीपी लग रहा है। पहले दिन रात को आपकी नींद 2-4 घंटे हुई है, बहुत सपने हैं, गहरी नींद नहीं है, तो नेचुरली उसका इफेक्ट सेक्स के ऊपर होगा। इरेक्शन के लिए हम बोलते हैं कि भाई आपकी नींद अच्छी होना जरूरी है। रेगुलर नींद, अच्छी नींद, 6-8 घंटे यदि आपकी नींद होती है तो आपका इरेक्शन बहुत अच्छा होगा। नंबर आठ, आपका जो हाइजीन है लिंग का वो कैसा है। क्या होता है कि आप लिंग को रोज साफ सफाई करते रहते हो, लिंग की चमड़ी पीछे लेके उसको साफ करना, पानी से धोना, स्नान करने के समय जांग साफ करना, मतलब पूरे प्राइवेट पार्ट्स, एनस वगैरह सब पूरा साफ रखते हो, क्योंकि यदि वो साफ नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ एक सफ़ेद रंग का स्मेग्मा जमा हो जाएगा चमड़ी के नीचे और उससे फिर सूजन पेनिस को आ सकती है, पेनिस अनहेल्दी हो सकता है, जलन हो सकती है या इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो हाइजीन आप मेंटेन करते कि नहीं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है इरेक्शन। पॉइंट नंबर नौवा, आप कितना पानी पीते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि इरेक्शन अच्छा होने के लिए आपको हाइड्रेटेड होना जरूरी है। स्पेशली आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके आ रहे हैं, पसीना बहुत बह चुका है, समर है और धूप में से आए हुए हैं, आपने पानी कम पिया है, हाइड्रेशन आपका कम है, डिहाइड्रेशन है, तो उससे इरेक्शन के ऊपर असर पड़ता है। पॉइंट नंबर दसवां, आप रेगुलर एक्सरसाइज लेते हो कि नहीं लेते हो। यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज लेते हो तो आपका इरेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है कि आप तंदुरुस्त रहते हैं, फिट रहते हैं, आपको थकान नहीं आती है, उससे आपकी डोपामिन लेवल जो है, एंडोर्फिन लेवल जो है ब्रेन की, वो बहुत अच्छी रहती है और उससे सेक्स के ऊपर अच्छा असर पड़ता है। पॉइंट नंबर ग्यारहवा, कीगल्स एक्सरसाइज। क्या आप कीगल्स एक्सरसाइज रेगुलरली करते हो। कीगल्स एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि लैट्रिन की जगह जो है, मतलब एनल पोर्शन जो है वो, और आपका पेनाइल पोर्शन मतलब जो पेल्विस है और जांग है, ऐसा पूरा जो एरिया है, वो एरिया आप ऐसे उसको एक्सरसाइज देके उसको टाइट करना छोड़ना, टाइट करना छोड़ना,
कीगल्स एक्सरसाइज का मेरा सेपरेट एक वीडियो है, वहाँ वीडियो देख सकते हैं। और उससे आपको कीगल्स एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, यदि आप रेगुलरली कीगल्स एक्सरसाइज करते हो तो डेफिनेटली आपके मसल्स टाइट होंगे और आपको इरेक्शन में फ़ायदा होगा। तो कीगल्स एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, उसमें आपको पेल्विक मसल जो है, पेल्विक फ्लोर जो है, उसकी मसल्स में अच्छी अच्छी खासी मतलब ये आती है, एनर्जी आती है, पावर आती है और आपका इरेक्शन अच्छा हो सकता है। पॉइंट नंबर 12, आप डाइट कैसे लेते हो। हेल्दी डाइट यदि आपका है, बैलेंस संतुलित डाइट है जिसमें विटामिन्स है और सब तरह का आपका खान पान में बहुत अच्छा है आपका, जंक फूड खाना या शुगर ज़्यादा लेना तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो आपका हेल्दी डाइट है तो उसका अच्छा असर, और हेल्दी डाइट इसका मतलब सब तरह के विटामिन भी उसमें आ रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, तो उसमें आपको सब तरह के विटामिन मिल जाएंगे और उससे आपके इरेक्शन के ऊपर बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। पॉइंट नंबर 13, स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्या आप स्ट्रेस आपका मैनेज करते हो, क्या आप बहुत एंग्जाइटी में हैं, टेंशन में हैं, तो ऐसा कभी होता है तो डेफिनेटली आपका इरेक्शन ठीक नहीं होगा। आपको स्ट्रेस मैनेज करना है तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, हिप्नोसिस करना, जिससे आपका स्ट्रेस अच्छी तरह से अच्छा मैनेज हो जाएगा। पॉइंट नंबर 14, क्या आपको स्लीप एपनिया है। स्लीप एपनिया जो लोगों को होता है, मतलब स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि नींद में ही नींद लेते लेते एकदम सांस रुक जाना, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है और फिर एकदम जोर से खर्राटे आदमी लेना चालू कर देता है और एकदम जोर से सांस लेते, तो बीच बीच में सांस रोकने का प्रॉब्लम ये लोगों को रहता है, उसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। और जिनको स्लीप एपनिया है, रिसर्च स्टडी ऐसी बोलती है कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत जल्दी होता है या बहुत कॉमनली दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 15, टोबैको। आप तंबाकू खाते हो या सिगरेट पीते हो जिसमें टोबैको का मतलब निकोटीन का प्रमाण बहुत ज़्यादा है, निकोटीन ज़्यादा लेने से क्या होता है कि ब्लड वेसल जो अंदर की है, पेनिस के अंदर की ब्लड वेसल, उसमें जो अंदर का आवरण जो अस्तर है वो मोटा हो जाता है। जब ब्लड वेसल्स का अंदर का अस्तर आवरण जब मोटा हो जाएगा तो पेनिस में खून कम जाएगा, पेनिस में खून कम जाएगा तो टाइटनेस नहीं आएगा। तो निकोटीन जो है वो तुरंत बंद करना चाहिए, और वो यदि आप लेते हैं तो उसका बुरा असर होता है। पॉइंट नंबर 16, आपकी बाकी बीमारियाँ कितनी कंट्रोल में हैं। जैसा कि डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ का बहुत बुरा असर पेनिस के ऊपर होता है क्योंकि पेनाइल जो वेसल्स है, ब्लड वेसल, उसके ऊपर असर होता है और इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है। डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। वैसे ही थायराइड का प्रॉब्लम यदि है तो हाइपरटेंशन, ये सब बीमारियाँ जो है वो पेनिस के ऊपर उल्टा असर करती है। तो ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये आप इसका पालन करते तो डेफिनेटली आपको इरेक्शन में फ़ायदा हो जाएगा। इसके ऊपर कंट्रोल करना, इसके ऊपर एक्शन लेके अपने सब पूरा बैलेंस्ड लाइफ जीना, मानसिक और शारीरिक, तो डेफिनेटली आपका सेक्स लाइफ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।